हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो SST की आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री सिविक्स करवाता हूं मैं। सभी प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन A to Z कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं, उन क्वेश्चनों को प्रीवियस ईयर से रिलेट करके पढ़ाता हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं सभी के सभी। और आज मैं लेकर आऊँ अपनी क्लास के अंतर्गत रिवर, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, कुछ रिवर्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ मंदिरों के क्वेश्चन होंगे जो पीछे पूछे जा सके, क्या उनसे रिलेटेड या आसपास के मंदिरों के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कई ऐसे कॉन्सेप्ट जो मुझे क्लियर करने, आज के समय काफी एनालिसिस करके आया हूं अपनी क्लास में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। पहला क्वेश्चन मेरे भाइयों के लिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने सीटेट दिसंबर के लिए। ठीक है, जिस भी ऑप्शनल आप रखते हो SST के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। महाबल्लीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, ये चोलों के द्वारा, पल्लवों के द्वारा, चेदियों के द्वारा या चालुक्य द्वारा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो है महाबल्लीपुरम के रथ जो है, ये पंचरथ कहलाता है, पांडव रथ कहलाता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, पल्लवों द्वारा इसको निर्माण करवाया गया था। मैं बता दूं इसके बारे में, पंचरथों को पांडव रथ के रूप में जाना जाता है, जो महाबलीपुरम के 9 अखंड मंदिरों से सबसे उत्कृष्ट वास्तु शिल्प भवन है। ठीक है, ये पल्लव वंश के, ये इंपोर्टेंट है, नरसिंह वरम प्रथम ने, ना कि द्वितीय ने, शासन काल के दौरान बनाए गए थे और मंदिरों को रथों के आकार में उकेरा गया था, जैसे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा बुद्धि लगाना, बढ़िया एकदम तरीके से पढ़ना, मतलब मैं कहना चाहता हूँ केयरफुल्ली। सबसे पहले निर्देश दे रखा है कि सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो मतलब अच्छे से पढ़ना, आपको ये कहना है कि राजा हर्षवर्धन जो थे, उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे, उनकी जीवनी हर्षचरित थी, निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उर्दू, प्राकृतिक, हिंदी, संस्कृत, तब क्या थी, संस्कृत भाषा थी, ये आपको पता होनी चाहिए। हिंदी जो भाषा है, किस भाषा से निकली हुई है, ये आपको बतानी, मुझे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, इसमें राजा हर्षवर्धन क्लियर हो जाते हैं, बाणभट्ट, उनके दरबारी कवि, ये क्वेश्चन निकल गया था, बाणभट्ट जी ने उनकी जीवनी पर हर्षचरित लिखी, ये भी इंपोर्टेंट हो जाते हैं, और किस भाषा में, मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐहोल शिलालेख किसके द्वारा रचित है? कालिदास जी, भाषा, रवि कीर्ति, राजमोहन? सिंपल आंसर है इसका, सी इज द राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, ऐहोल जो शिलालेख है, ऐहोल किसकी राजधानी है, मुझे ये बताना इन कमेंट में। ठीक भाई, मैंने प्रॉपर तरीके से सभी के सभी राजवंश, राजधानी, राज्य सभी क्लियर कर चुका हूँ पीछे। ठीक है, पीछे जितने भी क्लास है, तो रवि कीर्ति यहाँ पर जो शिलालेख है, इस द राइट आंसर हो जाता है उनका। और मैं बता दूं इनके बारे में, ऐहोल ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय, ये पुलकेशिन द्वितीय कौन है, क्या इन्होंने द्वितीय ने हराया था या प्रथम ने हराया था हर्षवर्धन जी को? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ नोट कर लेना। नरेश पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, यह प्रशस्ति के प्रारूप में संस्कृत काव्य परंपरा में लिखा गया है। इसकी रचयिता आपको मैं बता चुका हूँ, रवि कीर्ति जी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी की चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आराम से डीपली वाइज कंसेप्ट क्लियर करते हुए जो मैं बोलता रहूं उनको पकड़ते हुए मेरे भाई। ठीक है, नोट कर लेना, किसी कॉपी छोटा सा पीछे लिख लेना कि इस टेस्ट सीरीज में ये चीज नोट करवाई थी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? सभी को पता है, मैं बताता हूँ, ग्रहवर्धन है, राज्यवर्धन है, हर्षवर्धन है या पुष्यभूति वर्धन है? सभी को पता है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है, पुष्यभूति वर्धन है। ठीक है, आपको पता होगा इनका राज्य कितने से कितने तक फैला हुआ था, ये आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से। पहले इनकी राजधानी थानेसर थी, फिर बाद में कन्नौज बन गई थी। ठीक है, इसकी सारी जानकारी मैं अपनी क्लास में A to Z कहानी के रूप में बता चुका हूँ। वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का साम्राज्य विस्तार, ये सभी चीजें हैंसो, मोखरी वंश इसके अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, क्रम वाइज आपसे पूछ ले क्या पता। ठीक है, किसी भी राजा का, शासक का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। माझा प्रवास किसने लिखी थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, ये पीयूष भोसले ने लिखी है, विष्णु भट्ट गोडसे ने लिखी है, विकास चौहान ने लिखी है या रामनाथ जोशी ने लिखी है? तो यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाता है, विष्णु भट्ट ने लिखी है माझा प्रवास। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, फरवरी 2014 का क्वेश्चन है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को
ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल आंसर है बिल्कुल, ये 1833 मतलब 1833 अधिनियम में, 1858 में, 1861 में या 1868 में। सिंपल आंसर है बी इज द राइट आंसर हो जाता है, 1858 के अंतर्गत इसको प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दूं ताकि आपको पता लग जाए। ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश हुआ करते थे औपनिवेशिक काल, मतलब कि गुलाम रहे थे उस समय। उसके बाद जो ब्रिटिश संसद थी, ऑलवेज ब्रिटिश की होगी संसद उस समय, ठीक है। तो 1858 में एक नया कानून पारित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों के ज्यादातर बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए, ठीक है, ताकि भारतीय मामलों को, ठीक है, पहले भी यही कर रहे थे, अब एक एक्ट और ला दियो जो कि कैड हुई हो। ठीक है मेरे भाई, तो मैं बता दूं इनके बारे में, ठीक है। 1857, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्रांति मैंने करवा रखी है, 1857 की क्रांति, आप उसको देख सकते हो, क्वेश्चन भी करवा रखे हैं। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला वचन आपके सामने है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए, क्या ठीक है? यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। ये आपको इन कमेंट मुझे क्वेश्चन बताता है, बना मतलब बड़ा सिंपल है। अगर आप 1857 की क्रांति को जानते हो तो इसका प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1890 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, क्या एक राइट है? या इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सत्र 72 प्रतिनिधियों के साथ बॉम्बे में आयोजित किया गया था, इनमें से सही सुमेलित या कथन या सही छांटना है आपको, केवल एक ठीक है, दो ठीक है, दोनों ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है। मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल लेकर आया हूँ। ए हुयूम थे, 1885 में 72 प्रतिनिधि थे, वो भी बॉम्बे के अंदर ये कांग्रेस बैठक हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। उसमें दादा भाई जी, तैयब साहब बनर्जी जी, मेहता साहब, दत्त साहब और अय्यर जी, इनमें सभी के अंतर्गत प्रॉपर तरीके से इस कांग्रेस की बैठक में बैठे थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है केवल 2, ठीक है, ये बी इज द राइट आंसर हो जाता है, ये गलत है, 1885 है मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? बिल्कुल सिंपल आंसर है, क्या मिलाम है, क्या गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री से गंगा निकला, यमुनोत्री से यमुना निकला, लेकिन चैम यांग डूंग जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में या तिब्बती में क्या कहा जाता है, ये इन कमेंट मुझे बता दें, नहीं तो मैं आगे आने वाले क्वेश्चनों में प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नासिक अवस्थित है, नासिक क्या है, एक शहर है, सिटी है, तो वो किसके पास स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे, पैन गंगा नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, माही नदी के किनारे? आप सभी को पता होगी गोदावरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। गोदावरी का जो है वो महाराष्ट्र से निकलती है और महाराष्ट्र से निकल करके सीधा फिर तेरा आपका तेलंगाना में, तेलंगाना से फिर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ आता है उधर, छत्तीसगढ़ से सीधा आपके किस में आती है आंध्र प्रदेश, और सीधा गिर जाती है घाट बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, नासिक भारत में महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम क्षेत्र का एक प्राचीन शहर है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक होने के लिए जाना जाता है, ये आपको पता होगी। कुंभ मेला हर साल हर 12 साल बाद लगता है, ठीक है, हर 4-4 साल बात करूं मैं, ठीक है, जैसे कि एक तो होगा हरिद्वार, ठीक है मेरे भाई, दूसरा होगा नासिक, तीसरा होगा मेरे भाई उज्जैन, और चौथा होगा प्रयाग। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर एक दूसरे में यहाँ पर जैसे कि 4 साल, मतलब कि यहाँ पर हुआ 4 साल बाद, यहाँ पर 4 साल बाद, फिर यहाँ पर 4 साल बाद, यहाँ पर, तो इसी प्रकार से 12 साल हो जाते हैं हर 4-4 साल बाद। इन चारों पवित्र स्थानों पर होता है पवित्र मेला। ठीक है, सभी चीजें क्लियर है। गोदावरी नदी के बारे में दे रखी सहायक नदियां कौन कौन सी है आप पढ़ सकते हो, धरना, पेंगा, बैन गंगा, वर्धा, प्रणती, सभी चीजें मैंने दे रखी निश्चय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब। सिंपल आंसर इसका पश्चिम बंगाल इज द वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर हो जाता है, जिसको मैं लेकर आया हूँ कि भारत के अंतर्गत इसका हिस्सा मतलब इसका प्रतिशत, इसका योगदान ठीक है चावल को 16.10% है ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब आ जाता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नमचा बरवा में यू टर्न लेती है, यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? बस सिंपल है, गंगा हो गई, तिस्ता है, बराक, ब्रह्मपुत्र। भाई ब्रह्मपुत्र नदी इज द राइट आंसर हो जाती है यहाँ पर। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और फिर आज भी बता दूंगा। मेरे भाई मेरे बात सुनो, यांग को तांगसो नदी कहा जाता है, इसको चीन के अंदर, तिब्बत के अंदर ठीक है। और यहाँ का जो मैंने उद्गम स्थल बताया था वो चाम युंग डुंग, एक बार लिखा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको, चैम यांग डोंग ठीक है। क्या नाम है? चैम यांग डोंग। यहाँ से निकलती हुई सीधा आती है और ये अरुणाचल प्रदेश में जब प्रविष्ट करती है तो यहाँ पर दिहांग कहलाती है अरुणाचल प्रदेश में ठीक है। असम में आती है ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चल के तिस्त नदी इसकी सहायक नदी कहलाती है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र यहाँ पर यू टर्न लेती है और नमचा बरवा से एंट्री मारती है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको पता होनी चाहिए। सभी चीजें क्लियर मेरे भाइयों के लिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भागीरथी नदी क्या निकलती है? भागीरथी नदी मैंने कई बार बताया, कैलाश पर्वत से, मानसरोवर झील से, गोमुख से, तपोवन से। जिसको पता होगा ना तुरंत 2 ही सेकंड में दे देगा गोमुख इज द राइट आंसर ठीक है। जैसे मैंने बताया यमुनोत्री से यमुना, गंगोत्री से गंगा ठीक है। और आपको कई चीजें यहाँ पर देवप्रयाग होता है, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, पांचों के पांचों प्रयाग मैंने बढ़िया तरीके से कौन कौन सी नदी किसके किनारे, सभी चीजें डिस्कस कर रखे हैं और आपके सामने मैंने ये सभी चीजें डिस्कस करने को दे रखे। आप पढ़ सकते हो कौन सी नदी किस में मिलकर देवप्रयाग बनाती है, रुद्रप्रयाग बनती है ठीक है। ये सभी चीजें इंपोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसंट्रेट करते हैं, पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया? बस कृष्णा नदी की बात हो रही है यहाँ पर, हीराकुंड, नागार्जुन, भांगड़ा, टिहरी। मैंने जैसे आपको बताया था कृष्ण और अर्जुन ने धड़ाधड़ नर्मदा नदी पर बांध चलाए थे, सॉरी नर्मदा नदी नहीं, कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है। इस प्रकार से अर्जुन ने और कृष्णा पर कृष्ण जी ने धड़ाधड़ दोनों ने युद्ध किया था महाभारत का, ये आपको पता होगी। तो इससे रिलेट करके ट्रिक वाइज आप देख सकते हो, तो नागार्जुन, अर्जुन और कृष्ण जी ठीक है। तो सिंपल आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में यारलुंग सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को सी इज द राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सभी के सभी क्वेश्चन जितने भी मैं करवा रहा हूँ, डिस्कस करवा रहा हूँ मैं भाइयों को, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस शासक वंश ने गुप्तों के बाद गरुड़ को राजवंशी प्रतीक के रूप में बनाया है? देखो पश्चिमी चालुक्य, सातवाहन, या चेदी वंश, या राष्ट्रकूट। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। डी राष्ट्रकूट को अपनाया था अपने प्रतीक के रूप में ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन और बता दूं, राष्ट्रकूटों का जर्नी की दक्षिण भारत, मध्य भारत, उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर 735 से 982 ईसा पूर्व करने वाला राजवंश था। ये आपको देख सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्रफल था इसका, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ठीक है। तो आप सभी को ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। पल्लवों की राजधानी कहाँ स्थित थी? मदुरई में, बादामी में, कंचीपुरम में, तंजावुर में। भाई पल्लव की राजधानी कौन सी? कंचरम ठीक है, सिंपल कांचीपुरम सिंपल आंसर है। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ तंजावुर किसकी राजधानी थी ठीक है, ये तंजा बादामी किसकी राजधानी थी, मदुरई किसकी राजधानी, सभी चीजें डिस्कस कर सका हूँ कई कई बार ठीक है। अब तुम कमेंट भर दोगे तो तरीके से वो पता भी लग जाएगा भाई, पढ़ भी रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उत्तर भारत के नियंत्रण हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष जो प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान हुआ था प्रतिहार पाल और के बीच, मतलब किसके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? प्रतिहार थे ठीक है, पाल थे ठीक है, लेकिन और तीसरे कौन थे? चौहान, तोमर, राष्ट्रकूट, चालुक्य। तो ये सॉरी राष्ट्रकूट इज द राइट आंसर ठीक है। मैंने लिखा भी हुआ है कि अरबों के आक्रमण के समय उस समय भारतीय प्रायद्वीप के अंतर्गत तीन महत्वपूर्ण शक्तियां थी, गुजरात के राजपूतना, गुजरात एवं राजपूतना के गुजर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल। कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन तीन महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्षों को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। ये देख सकते हो कितना बड़ा विस्तार था इन सभी का, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो एलोरा है, एलोरा में कैलाश मंदिर उसको किसने बनवाया था या फिर किसके द्वारा बने गया था? चालुक्यों के द्वारा, पल्लव के, चोल के, राष्ट्रकूट। यहाँ पर सिंपल आंसर है राष्ट्रकूट, डी इज द राइट आंसर होता है, ये आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, बात करूँ इसकी बारे में थोड़ी सी कि कैलाश जो मंदिर है संसार में अपने ढंग का अनूठा वास्तु जैसे मालखेड़ा है स्थित है, मालखेड़े में स्थित है, और राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण वंश, ये इंपोर्टेंट है, जो मैं हाईलाइट कर देता ना वो इंपोर्टेंट होता है, राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण जी जो कि प्रथम है 787-783 ईस्वी उनकी है अपनी जीवन काल की तिथि में निर्मित कराया था। यह एलोरा जिला औरंगाबाद लैंड श्रृंखला में स्थित है, ये आपको पता, अब आपको पता होगी औरंगाबाद का भाई महाराष्ट्र में, सिंपल है। ठीक है, औरंगाबाद शहर किसने बसा ये आपको बताना है इन कमेंट में। ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको रेट कर करके, एक दूसरे से क्वेश्चनों को रिलेट करके जो करवा रहा हूँ मैं, ये सभी के सभी इंपोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, जैसा कि मैं आपको करवा रहा हूँ प्रतिदिन, हर रोज एक दिन घट रहा है, आज तेरी भी टेस्ट सीरीज थी, पीछे मैं करवा चुका हूँ, उन सभी को शुरू से लगाओगे, 1.5 की स्पीड, 2 की स्पीड पर करोगे तो आपके लिए फायदा होगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से जितना भी करवाना चाहता हूँ अपने भाइयों को कि भाई एक क्वेश्चन से 2 या 3 क्वेश्चन रिलेट करके जितने भी मैं बता दूंगा आपके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं अगर 1-2 क्वेश्चन निकालूंगा तो आपको भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि टॉपिक क्लियर, उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, ये सभी चीजें होनी भी चाहिए। ठीक है, तो सुबह करंट अफेयर होती है मेरी और अब सी टेट होगी। ठीक है, और कुछ दिनों में विषय फेयर भी लाऊंगा और स्टेटिक जीके को लेकर के भी कुछ क्लासेस चलेंगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे SSC वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो इतना ही कहना था मेरे भाइयों, तो नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।